भगवती पब्लिक स्कूल के छात्रों ने घर से जन्माष्टमी का पर्व धूमधाम से मनाया, जिसमें छात्रों ने श्री कृष्ण और राधा की लीलाओं का व्याख्यान किया। बच्चों ने इस उपलक्ष्य पर राधा कृष्ण की वेशभूषा धारण कर जन्माष्टमी का पर्व मनाया, जिसमें कक्षा नर्सरी से विवान, जूनियर केजी से दक्ष, दिव्यांश शर्मा कक्षा प्रथम से अतिथि ठाकुर, काव्य मेहरा, अलिश्का, अनिका, अंश कौंडल कक्षा तीसरी से सुहानी, कक्षा आठवीं से पारुल, दक्ष शर्मा ने हिस्सा लिया। प्रधानाचार्य आर्थिक टोच ने छात्रों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बधाई दी और इस पर्व की महत्व के बारे में जानकारी दी कि जन्माष्टमी पर्व भगवान श्री कृष्ण के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है, जो रक्षाबंधन के बाद भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को आता है। ये पर्व पूरी दुनिया में पूर्ण आस्था एवं श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। हमीरपुर में प्रशासन की एक बार फिर से बड़ी लापरवाही सामने आई है। शिमला धर्मशाला नेशनल हाईवे पर हमीरपुर के बस अड्डे के ठीक सामने सड़क के बीचों बीच अधिक बरसात होने के कारण सीवरेज ओवरफ्लो बह रहा था और सीवरेज का ढक्कन भी ऊपर की ओर उठ गया था, जिसे सीमेंट के साथ बंद करवाया गया था, जो ठीक करने के बाद फिर से भारी बरसात के चलते ओवरफ्लो बह रहा है। सीवरेज का पानी इतनी तेजी से ओवरफ्लो हो रहा है, जिसे देखकर ऐसा प्रतीत होता है मानो सड़क के बीचों बीच एक फुहारा लगाया गया हो। जो वाहन चालकों और राहगीरों के लिए खतरे का सबब बना हुआ है, जिसे बरसात के दौरान प्रशासन के द्वारा की गई तैयारियों पर एक बार फिर बड़ा प्रश्न चिन्ह लग रहा है। दुकानदार का कहना है कि सड़क के बीचों बीच सीवरेज का ढक्कन ऊपर की ओर उठा हुआ था, जो ओवरफ्लो बह रहा है, जिसे देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो सड़क के बीचों बीच एक फुहारा लगाया गया हो। उन्होंने कहा कि प्रशासन भी इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है, जिससे जहां एक ओर वाहनों और राहगीरों को आने जाने में दिक्कतें पेश आ रही है, वहीं जिला की सुंदरता में भी दाग लग रहा है। उन्होंने कहा कि प्रशासन को बार बार चेताने के बाद भी प्रशासन इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। उन्होंने कहा कि प्रशासन को जल्द से जल्द उचित कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि लोगों को इस परेशानी से निजात मिल सके। कृष्ण लल्ला के जन्मोत्सव पर सुजानपुर का सुप्रसिद्ध राधा कृष्ण मुरली मनोहर मंदिर बंद रहेगा। रोजाना की तरह मंदिर प्रबंधक पूजा पाठ आरती का आयोजन करेंगे। लोगों की आवाजाही मंदिर में नहीं होगी, लोग बाहर से ही पूजा अर्चना करके बांके बिहारी का दीदार करेंगे। बताते चले कि कोविड-19 के चलते देश भर के देवालय मंदिर प्रतिष्ठान पूरी तरह से बंद हैं। आज पूरे देश भर में श्री कृष्ण जन्मोत्सव मनाया जा रहा है, ऐसे में लोग इस उत्सव में मंदिरों की ओर रुख ना करें, इसलिए सुजानपुर प्रशासन द्वारा निर्देश जारी किए गए हैं। निर्देशों में लोगों से आह्वान किया गया है कि श्री कृष्ण जन्मोत्सव का आयोजन अपने अपने घरों में करें, वहीं पर पूजा पाठ करें, ताकि अत्यधिक भीड़ इकट्ठी ना हो। गौरतलब है कि श्री कृष्ण जन्मोत्सव सुजानपुर के सुप्रसिद्ध राधा कृष्ण मुरली मनोहर मंदिर में आयोजित होता है, जिसमें भगवान को पालने में डालकर स्थानीय लोग एवं अन्य दूरदराज क्षेत्रों से आने वाले लोग झूला झुलाकर विशेष पूजा में हिस्सा लेते थे और मंदिर में खासी रौनक देखने को मिलती थी। वर्तमान में परिस्थितियां सही नहीं है, ऐसे में इस बार भगवान का जन्म महोत्सव भी कोरोना की भेंट चढ़ गया है। बड़सर उपमंडल के दानरू ग्राम पंचायत के तहत पड़ने वाले गांव बनकोट में लगातार बारिश होने से आनंद ठाकुर के घर के साथ लगते नाले में पानी का बहाव अधिक होने के कारण आनंद ठाकुर के घर साथ लगा डंगा पानी से क्षतिग्रस्त हो गया है, जिस कारण आनंद ठाकुर के घर के लिए खतरा पैदा हो गया है। आनंद ठाकुर की पत्नी निशा चौहान ने बताया कि लगातार बारिश होने के साथ लगते नाले में बहुत पानी आया, जिस कारण उनके घर के साथ लगता डंगा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है, जिससे उनके रिहायशी मकान को गिरने का खतरा पैदा हो गया है। निशा ने बताया कि पिछले साल भी ये डंगा बरसात में गिर गया था, जैसे तैसे आनंद ठाकुर ने बड़ी मुश्किल से खुद ही डंगे को लगाया, मगर पंचायत को अवगत करवाने के बावजूद भी ये डंगा नहीं लगाया गया। इस बार फिर से बरसात होने के कारण डंगा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है, जिस कारण उनके रिहायशी मकान को खतरा हो गया है। आनंद ठाकुर ने जिला प्रशासन और पंचायत से घर के पास डंगा लगाने की गुहार लगाई है।